बीपीएससी सिविल सर्विसेज कंडक्ट करवाती है। जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल है और आज हम बात करेंगे बीपीएससी के बारे में। बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हम देखते हैं बीपीएससी क्या है। बीपीएससी सिविल सर्विसेज कंडक्ट करवाती है। जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जो कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन मेरिट उनके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उन स्टूडेंट को सेलेक्ट करती है सिविल सर्विसेज के लिए। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसके तीन एग्ज़ाम होते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तीन एग्ज़ाम होती है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होते हैं। अब हम देखते हैं इन एग्ज़ाम्स के अंदर कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला पेपर प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के अंदर एक पेपर होते हैं जो 150 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे की समय होती है। मतलब ये पेपर करने के लिए आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाता है। दूसरा पेपर आपका मेंस का होता है जिसके अंदर चार पेपर होते हैं। चार पेपर होते हैं जिसमें 1 क्वालिफाइंग पेपर और 3 मेरिट रैंकिंग पेपर होते हैं। मतलब एक पेपर आपका ऑप्शनल होता है और 2 GS और 1 AC की पेपर होती है। आपकी वो पेपर 900 की होती है, 900 मतलब 900 मार्क्स की। और आपको ये पेपर करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। उसके बाद हम आइए हम बात करते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू आपका 120 मार्क्स का होता है। ये आपके मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मेंस मान लो अच्छा गया, आपके रिजल्ट अच्छे आए, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। इसके अंदर आपका जनरल हिंदी क्वालिफिकेशन, GS पेपर 1, GS पेपर 2 और ऑप्शनल पेपर, आपके 4 पेपर होते हैं। GS हिंदी पेपर में आपका 100 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडी पेपर 1 300 मार्क्स के होते हैं। GS पेपर 2 आपके 300 के होते हैं और ऑप्शनल पेपर आपके 300 के होते हैं। और इन चारों पेपर्स को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कैटेगरीज के अकॉर्डिंग की जाती है। जैसे आप अगर जनरल हो तो आपको 40% चाहिए। आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अगर आप जनरल हो तो आपको 40% चाहिए। अगर आप BC हो तो आपको 36.5% चाहिए। OBC वालों के लिए 34%, वीमेन SC ST PWD के लिए 32%। यहाँ हम बात करते हैं मेंस के लिए। मेंस क्वालिफिकेशन मार्क्स आपके यहाँ भी आपके जनरल के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। आप अगर GS या मतलब जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 40% चाहिए। आप अगर BC कैटेगरी में हो तो आपको 36, OBC वालों के लिए 34% और वीमेन SC ST या PWD वालों के लिए 32%। और यहाँ हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 10 से 23 फरवरी तक डेट निकली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको एग्ज़ाम देनी है तो आप अभी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपको अगर उसके डाउनलोड PDF डाउनलोड करने हैं तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। या बाकी जानकारी, अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप BPSC की वेबसाइट पे जाके जान सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल और OBC वालों के लिए 750, फीमेल SC ST के लिए 200 और अदर्स टेस्ट के लिए भी 750 रुपये। अब हम बात करते हैं एज लिमिट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप
को पता होना चाहिए कि आपको कितनी एज होनी चाहिए, आपकी एज है या आपकी एज जा चुकी है, आपको वो जानने के लिए मैं आपको बताती हूँ। तो आपकी एज 21 से 38 साल की होनी चाहिए। अगर आप 21 से 38 साल की एज में हो और आप इंटरेस्टेड हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीपीएससी की वैकेंसी के बारे में कि कितनी वैकेंसी है। अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप वैकेंसी कितनी है या आपको कितनी सीटें उसमें मिल जाएंगी। तो यहाँ आपकी वैकेंसी 70,000 तक आपको वैकेंसी मिल जाती है, 70,000 सीटें। और आप बीपीएससी की वेबसाइट पे इसके पोस्ट और इसकी वैकेंसी अगर आपको जाननी है तो आप बीपीएससी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो जनरल वालों के लिए 750 है, एससी एसटी पीएच वालों के लिए 200 और बाकी अदर स्टेट्स के लिए भी 750। और अगर आपको अगर तैयारी करनी है जैसे यूपीएससी बीपीएससी पीपीएससी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे कोचिंग में प्लूटस आईएएस इंस्टीट्यूट में यहाँ प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं 26, 27, 28 और 29 को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।